एक बार इसकी आंख पर जूम करिए भाई, ये लाल हो रही बेचारे की आंख देखने लग रही है। 3-4 दिन हो गए लगातार बाजो बाज। आप देख सको इस किसान का दुख भी, यो भी किसान ने है। जिस किसान का जिक्र आप सारी अण कराया करें, मजदूर किसान, मजदूर किसान में कोई फर्क को नहीं आया करता भाई। के कुछ देखने लग रहे, के कुछ कड़ तक पहुँचे मामला भाई। 50 फुट का लगभग जा लिया, नीचे मिट्टी फिर गिर जाए। एक बार आप अपना नाम बता दे जो नए जुड़े हैं। नाम मेरा वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र, हाँ। अच्छा, आपका ये बोर था? हाँ, बोर ये भतीजा का, अपना भाई का। ठीक है। और कितना टाइम हो चुका है? इसने आज 4th दिन हो गया। 62-63 घंटे के आसपास हो गया। हाँ, हो गया 62। अच्छा, कल यहीं की बात है, इकट्ठे हो रहे थे आप लोग, कि ये कहने लग रहे थे प्रशासन से मदद नहीं मिलने लग रही, तो के कुछ उस बात में सुधार होया? प्रशासन कितना एक्टिव होया? कितनी सरकार की आपने मदद मिलने लग रही? कल से प्रशासन होया थोड़ा, मशीनरी और बोल रहे हैं कल दी मंगाने की। अब तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई मशीन नहीं है अभी, कोई खुद की हायर करी हुई मशीन, ये सारी की सारी मशीन खुद की चल रही, खुद की, अपने खुद के खर्चे में खुद की चल रहा है। प्रशासन के कोई पैसे की मदद नहीं अब तक, कोई मशीन नहीं। अभी डीएसपी साहब आ रहे, दुखे भी क्या करेंगे। एसडीएम साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि भाई जो आप खर्च होगा उसको सरकार से कवर करवाएंगे। अच्छा, यो तो खर्चा कवर हो जाएगा, ये संजय बंजे तो और जुड़ जाएंगे, तेल और रह जाएगा, लेकिन जो एक एक सेकंड 100-100 साल भर की बीतन लग रही उस परिवार की, जिसका की सदस्य नीचे दब रहा मिट्टी में, उसका के कुछ इतना टाइम लगने लग रहा, उसके बारे में सोचना? बारे में 3 दिन हो गए, उसका परिवार बिल्कुल ना सोया, ना उसका परिवार ना खाना खाया, ना हमारा परिवार ना किसी ने हो रहा। ज़्यादा टाइम लग गया, ये निकलना चाहिए था। अच्छा, देखो कोई भी चीज़ पूरी होने में कहीं ना कहीं जो है त्रुटि रही हो, आपने कड़ लगा है किस चीज़ में कमी रही होगी? ये मशीनरी अभाव में कमी रही है, मशीनरी। हाँ, मशीनरी नहीं मिली टाइम पर। जो टीमें यहाँ पर काम करने लग रही है, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, डेरा सच्चा सौदा की, इनका काम में कोई कमी नजर आई हो? नहीं, ये तो आपका काम में कोई कमी नहीं, इनका फिर इनको मशीनरी अभाव है। डेरा सच्चा सौदा के जो वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनको संसाधनों की कमी है, नहीं और भी जल्दी रेस्क्यू कर देना इसने। अच्छा, 52-53 फुट उस टाइम पर जिस टाइम पे यह बात हुई, नहीं आप पूरे थे? नहीं, हाँ पूरे थे। मजदूर 3 थे या फिर 2 थे? 3-4 थे मजदूर, 3 बार थे, एक ही अंदर था। अच्छा, 3 बार थे, एक ही अंदर था। हाँ। 5 में आप थे? हाँ, यानी 5 लोग यहाँ पर उस टाइम पर थे। 5 लोग थे यहाँ, 5 लोग थे। हाँ। तो जिस टाइम पे यह बात हुई तो बाकी के 3 साथी में, वो 3 साथी बाहर ही थे, उन्होंने नीचे मिट्टी निकाल रहे थे, उसको नीचे उतार रहे थे। जब आपने मौके पर पता चला कि भाई रमेश के ऊपर मिट्टी गिर चुकी है, तो आपका पहला एक्शन क्या रहा? पहला एक्शन था, वो भतीजा था, वो फटाक से नीचे कुएं के अंदर गया, उसने हाथों से कोशिश भी करी है, कोशिश करी उन्होंने उससे, फिर वो नियो मिट्टी और खतरा था गिरने का। अच्छा, उसको 4 से 5 बार नीचे गया वो जमीन। अच्छा, 4 से 5 बार नीचे गया। उसके साथ दूसरा कोई था नहीं, अगर वो बोल रहा था एक और बंदा मेरे साथ होता तो मैं निकाल लिया। अच्छा, अंदाजा सर कितने की मिट्टी उसके ऊपर पड़ी? उसके ऊपर लगभग उस टाइम तो 3 से 4 फुट मिट्टी होगी। 3-4 फुट मिट्टी उसके ऊपर पड़ गई। हाँ। साइड की जो आप डैक है, अगर ठीक है, उसको दबी। उसके बाद आपने किसे सूचना दी? ये 112 पे कॉल किया, गाँव में मदद के लिए गाँव में किया फोन, मजदूरों ने भी किया, आपके परिवार के वहाँ से भी काफी बंदे आ गए थे। कितनी देर बाद लोग यहाँ पे पहुँच गए सहायता? आधा पौना घंटे के बाद। हाँ, और ये मशीन वगैरह कितनी देर? 1 घंटे के तक मशीन आ गई थी, मशीन हमने बुला ली थी। अच्छा, 3-4 फीट मिट्टी आप बताओगे इसके ऊपर गिर गई थी, तो उसका निकालने का तरीका यूँ था कि चारों तरफ से खोदने के, और तरीका से भी निकल सके थी? नहीं, यही तरीका था चारों तरफ से खोद के, और तो उसके ये पास कोई गड्ढा मारा जाता दूसरा कुआ उसके पास। अच्छा, आप फिता गल्ला ही गल्ला मारने लग रहे हो कि कितना गहरा कुआ जा लिया, तो उस टाइम पर आखिरी में जड़क कसी थी, जड़क कसी चालन लग रही थी, तो कितनी गहराई पर कसी चालन? वो 52 फुट पे थी। 52 फुट पे। ये एनडीआरएफ टीम के साथी जो उनको कि भाई 52-53 फुट पर तापे पहुंच गए? पहुंच गए 52 के पिछले 56 में पहुंच गए, कल मैं अंदर ही था। हाँ। देखा मैंने। हाँ। फिर वो पता नहीं, वो नीचे मिट्टी नीचे जा रही है, दस्ती जा रही है। अच्छा, मिट्टी तलन जानी जाओ। हाँ, नीचे वो थोत बोल दिया, थोत हो रही है, उसमें रेता निकल गया, नीचे की जमीन बिल्कुल नरम है, स्लाइड होगा। कल भी 55-56 तक पहुंच गए थे, फिर ऊपर से मिट्टी फिर स्लाइड होगी, वो 7-8 फुट उल्टा वापस बंद गया। तो ये किसान से अपन बातचीत करी जो कि फिलहाल यहाँ पर लगातार साथ में है, ये देख सकते हैं भाई किस तरीके के हालात बेचारे की हो चुकी है। तो आगे की भी जो अपडेट साथ के साथ आपको देते रहेंगे। अगला करा
किन चरण में पहुंचा हुआ है? वो तो एक कट मार दिल पर है, एक प्राण कट मारा है, इस मट्टी ने फिर साफ कर देंगे, ऐसी भी मशीन नहीं चाहिए जाएगी। ये रमेश कुमार के दिल बड़ा गांव से 35 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। वो सब कुछ ना यहाँ ना बोले जुमाए तो इसके अंदर ढूंढा बदल या तो भी करते हो गए तब तक मिल जाएगा। पहली बिजली है ये दो रही अंतिम छोर में है तो तीसरे ही बच्चे मालिक
ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਯੂ ਹੈ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸੋ ਛੋਟੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ या आवाज़ इस तीन पूछने का